अरे यार, वो कातिल असीरा पंकज को मार देगी। यही है वो सीरियल किलर जो लोगों को गाड़ी में ले जाकर उनका खून कर देती है। शिट यार, पंकज मर जाएगा और पंकज के मरने के बाद उसका लैपटॉप, फोन, गर्लफ्रेंड सब मुझे ही संभालने पड़ेंगे। पंकज, पंकज, खून! पंकज तू मर गया। अबे मैं कुछ मत बोल, चुपचाप मौत को गले लगा ले। और जाते जाते मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ कि तेरे जो पैसे परसों खो गए थे, खोए नहीं थे, मैंने चुराए थे। क्यों? और तेरी गर्लफ्रेंड को तेरी दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में मैंने बताया था। क्यों? और तो और कल जो तेरी इधर आ। क्या भाई, साले कितनी बार बोले फर्श पे सॉस मत गिराए कर। अच्छे सॉस है वो, मतलब तू मरा नहीं, तू जिंदा है। मैं तो हूं लेकिन अब तू नहीं रहेगा। लेकिन तू तो उस कातिल के पीछे गया था ना। अबे कातिल नहीं, हसीना के पीछे। लेकिन वहां वो साला मकान मालिक आ गया, वो मुझे देखते किराया मांगता, इसलिए मैं वापिस आ गया। भाई वो हसीना कातिल ही थी। तेरी किस्मत अच्छी है जो तू बच गया, वरना तू आज लाश होता। साले जलता है मुझसे। एक सुंदर लड़की मुझे भाव क्या देने लगी, तू कुत्ते की तरह भाव भाव करने लगा। अबे हम दोनों ने सुना था वो स्टोरी, एक काल्पनिक स्टोरी। स्टोरी नहीं है वो, भेड़ की। अबे भाई फैमिली चैनल है। गाइस वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर दो रेड वाला बटन दबा के। हाँ कंटिन्यू। भाई लगता है वो वापिस आ गई। अभी गेट खोल। साले तूने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए हैं, चेंज करके खोलना पड़ेगा। बेबी अभी आया चेंज करके। अरे नहीं, ये रुक। अरे नहीं भाई, मैंने न्यूज में देखा है वो हसीना कातिल है, एक सीरियल किलर। यार ये मरवाएगा। आप बुड्ढू मकान मालिक? थैंक गॉड, शुक्रिया। तू क्या आमिर सिद्दीकी से मिलकर आया है? नहीं तो? हाँ तो तेरे में इतनी मिठास क्यों आ रही है? अबे क्या हो गया तेरे को, चाटू से दिमाग खेल गया क्या? सारे मकान मालिक है ये, इसके पैसे देने हमें। पैसे लेने वाले आए हैं झेल लेंगे, लेकिन अगर जान लेने वाली आती तो पेल देती, समझना। अंकल हम तो आ ही रहे थे आपके पैसे देने। अच्छा तो फिर आए क्यों नहीं? वो अंकल जी हम रास्ता भूल गए। बेटा जी तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहता हूँ मैं। यार छोड़ो, आज मैं किराया लेने नहीं आया, आज मैं पार्टी के लिए आया हूँ अपनी फ्रेंड को लेके। पार्टी फ्रेंड जवानी है, हमें भी दिखाओ कहाँ है बेब। स्वीटी आ जाओ। स्वीटी, स्वीटी। हेलो बॉयज, कैसे हो तुम लोग? अभी तक तो जिंदा थे, आगे का पता नहीं। हटो साइड, आओ स्वीटी। तुम तो कह रहे थे तुम्हारी फ्रेंड आ रही है, लेकिन ये तो तुम्हारी बेटी की उम्र की है। नहीं नहीं, मुझसे मुश्किल से एक दो दिन छोटी होगी। आप तो खुद भगवान से दो चार दिन छोटे हो, थोड़ा सोच समझ के तो बोला करो। और कहाँ मेरी स्वीटी? तेरी स्वीटी मतलब हमारी स्वीटी। हमारी? अरे मेरा मतलब है कहाँ स्वीटी, कहाँ आप। ये लगती है हुस्न परी और आप इसके बाप। एज इज जस्ट अ नंबर पंकज, ये अभी भी जवान है। दिल तो बच्चा है जी। दिल बचा हुआ वही शुक्र मनाओ, हार्ट अटैक की उम्र में हर्ट हैकर समझ रहे हो खुद को। स्वीटी जी सॉरी, वो विभू की वजह से गलत फहमी हो गई थी। उसी गलत फहमी की वजह से जिंदा है तू साले। तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है, जाके दो कप चाय लेकर आ। क्यों आप नहीं पियोगे क्या? हम दोनों के लिए ही है दो कप, जा तू जाके कुछ खाने का लेकर आ। चाय लेकर आनी है? मैं लेके आता हूँ, बाहर से लेके आऊंगा बढ़िया चाय। बाहर तेरी चाची बैठी है रात के 3 बजे चाय देने के लिए। खुद बनाकर ला अंदर से। जा ही रहा है तो कुछ खाने का भी ले आ, मैं मेरी जान को अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ भाई बिल्कुल, मरते हुए आदमी की आखिरी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता जी, मैं तो घूम गया हूँ। मैं लेकर आता हूँ चाय।
साले दोनों ठरकी मरेंगे। आप दोनों बैठकर बातें करो, तब तक मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है जी। वैसे तुम कैसे जानती हो इन नल्लों को? अरे वो मेरी गाड़ी खराब हुई थी ना, तो मैं हेल्प मांगने आई थी। मगर इन्होंने दी नहीं होगी। हाँ, आपको कैसे पता? इनकी आदत है इनसे जो चीज मांगो ना देने की। 3 महीने से किराया मांग रहा हूँ, गरीबों से वो तक नहीं दिया जा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, कल ही तुम्हारे मुंह पे पैसे दे के मारूंगा। तो मारना, कब से तड़प रहे हैं मेरे गाल नोटों का चाटा खाने के लिए। नल्ले नल्ला बोला, रुक साले, अभी तेरी बीवी को बताता हूँ। क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी दूर की बीवी की बात कर रहे हैं। देख भाभी को कुछ मत बोलियो, दोनों भाई करते हैं ना ट्राई। तू भी मेरी बेइज्जती मत करियो फिर। आपसे सीधा तू पे? शुक्र मना तू पर आया हूँ मैं, मन तो मेरा थू पर आने का है। ठीक है ठीक है। ये लो चाय और ये रखे बिस्कुट खाने के लिए। वाओ बिस्कुट, ये तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। इन्हें खाने के लिए नाइफ मिलेगा? नाइफ मतलब चाकू। चाकू किस लिए चाहिए? एक्चुअली मैं चाकू से ही बिस्किट खाती हूँ। हाँ है ना? नहीं है, कोई चाकू नहीं है, मैंने सारे चाकू बाहर भेज दिए धार लगवाने के लिए। अबे वो ड्रॉर में है, जा लेकर आ। वो मैं खा गया। तू चाकू खा गया? साले तूने कभी बताया नहीं तू चाकू भी खाता है। हाँ भाई मैं सर्कस में काम करता हूँ, वहाँ ना मैं चाकू तलवार ये सब खाता हूँ। अगर मैंने इसका राज नहीं खोला तो आज ये इन दोनों को खोल देगी। यहाँ बहुत ठंड है, स्वीटी बेडरूम में चले। बेडरूम में क्या करोगे? वही जो बेडरूम में करते हैं। अरे आराम, और क्या, यही कर लो ना आराम। मैं टीवी भी चला देता हूँ, न्यूज चैनल चला देता हूँ, दोनों को इसकी हकीकत पता लग जाएगी। नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ। क्या हुआ, तुम इसे टीवी क्यों ऑन नहीं करने दे रही? वो क्योंकि इसका राज खुल जाएगा। कौन सा राज? हाँ मेरा राज खुल जाएगा। वो जब मैं छोटी थी ना तब मेरे पापा को टीबी हो गया था और वो तब से मैं टीवी नहीं देखती। हाउ सैड, टीवी को छोड़ो, कोई टीवी नहीं देखेगा। अरे वो टीबी होता है, ये टीवी है, क्या कनेक्शन है? बस मेरी बेबी को नहीं देखना तो नहीं देखना। है मैं तुम्हारी बेबी कब से हुई? अरे उम्र के हिसाब से बोल रहे हैं, तुम इनकी बेबी की उम्र की हो इसलिए बेबी बोल रहे हैं। तुम चिंता मत करो, यहाँ कोई टीवी नहीं चलाएगा, तुम मेरे साथ अंदर रूम में चलो। आओ 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 डार्लिंग। साला बहुत तेज है। हाँ इतना तेज कि अपने सामने खड़ी मौत को भी नहीं देख पा रहा। लो तुम खुद देख लो। कर दे मुश्किल जीना। जी हाँ दोस्तों, कर दे मुश्किल जीना कातिल हसीना। यह कातिल हसीना हर उस मर्द को मारती है जो इसे डार्लिंग बाबू शोना मोना कहकर बोलता है। जहर है या प्यार है इसका चुम्मा, इसके चंगुल में फंसने वाला नहीं देख पाता अगला जुम्मा। मैंने इसे बेबी बोला, मैं जा रहा हूँ और वो आ रही है। आप अंदर नहीं आ रहे हैं? बेटी मैं क्या करूंगा अंदर आके? ब्यूटी से सीधा बेटी, मौत का चक्कर अच्छे अच्छे को सीधा कर देता है। मेरे सत्संग का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। अच्छा तो भगवान के पास जाने की जल्दी है आपको? नहीं इतनी भी जल्दी नहीं है, मैं आता हूँ। तुझे न्यूज देखने का ज्यादा ही शौक है ना? नहीं। कल तू ही न्यूज में ना आ जाए। मम्मी चल अंदर। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तब तक कोई इस रूम से मत निकलना। देख रहे हो भाई साहब कितनी शर्मीली है मेरी स्वीटी। देखो स्वीटी बस मेरी है, आप हम दोनों के बीच में मत आओ। हाँ तू ही रख, बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। देख रहा है गुड्डू सच्चे प्यार की ताकत, इस जैसे ठर की भी हमारे बीच नहीं आना चाहते। क्योंकि वो मरना नहीं चाहते। तू फिर से वही राग लगा रहा है। वो सच बोल रहा है, वो हसीना एक कातिल है। अच्छा
साले कितने में बेची तूने अपनी दोस्ती? तूने अपने इस ड्रामे में इस मकान मालिक को भी शामिल कर लिया? रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा ना, तुझे अभी टीवी में दिखाता हूँ। इस कातिल हसीना की हर जगह है तलाश, क्योंकि जहाँ भी ये जाती है बिछ जाती है लाश। घर के लोगों से इसे बहुत नफरत। अरे इससे बचने का कोई तरीका नहीं है? तरीका है मेरे दोस्त। तो साले बता ना, वीडियो आधे घंटे की करके मारेगा। तो सुन गोडू, हसीना का बर्थडे आता है इनमें, ये नहीं मारती उनको जो होते हैं गे। नहीं, जिंदा रहने के लिए ये करना पड़ेगा। आज एक गलती कर जाओ, आदमी हो आदमी से प्यार कर जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वीटी, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ ना। क्यों? क्योंकि मुझे इसे कुछ देना है और इसे मुझसे कुछ लेना है। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या लेना है और क्या देना है? वही जो 20 के बाद आता है और 22 से पहले। 20 के बाद और 22 के पहले? अरे 21, 21 की बात कर रही है दोनों। हाय, मैं शर्मा आ गया। तुम्हें इसे किस करनी है? हाँ, मैं इसका आशिक हूँ और ये मेरा प्यार है, बाकी सारी दुनिया बेकार है। ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो? वाह, तुम करो तो प्यार और हम करें तो ड्रामा। पंकज, मैंने कहा था ना, ये दुनिया हमारे प्यार को नहीं समझेगी। तुम सही में एक दूसरे से प्यार करते हो? बचपन से। अच्छा जी। हाँ जी। ठीक है, फिर किस करके दिखाओ तो मानू। ओके। अरे मुझे नहीं, एक दूसरे को करो तब मानूंगी। एक दूसरे को? क्यों, क्या हुआ, नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मैं मर जाऊंगा लेकिन ये कभी नहीं करूंगा। अगर नहीं करोगे तो सही में मरोगे। ये क्यों है? वो मैं मुझे शक तो था तुम्हारा नारा ढीला है, लेकिन इतना ढीला है ये नहीं पता था। भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तुम दोनों गे नहीं हो? हूँ, मैं गे हूँ, ये गे है, हम सब गे हैं। मेरा पति गे है? हाँ, बोलूंगा तो ये मारेगी, ना बोलूंगा तो वो मारेगी, क्या करूँ। एक मिनट, तू इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? वो मैं तुम्हें ही तो देखने आई थी। मैं तो कल आने वाला था ना। मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है किसी के साथ, मुझे ऐसे मत देखो। वो भाभी और मेरी थोड़ी सी सेटिंग चल रही है। बस क्या बस? और तू क्यों बोल रही है बीच में, बताओ अभी तुझे। इसे कुछ मत बोल। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। अरे प्लीज शांत हो जाओ, इन्हें उंगली मत करो। अच्छा, तुम भी? मैं तो बोलूंगी, क्या करेगी, मेरा खून करेगी, मेरा करना मेरा खून। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ, आज तुम सब अय्याशों की अय्याशी निकालती हूँ मैं। अच्छा, नकली चाकू दिखा के मुझे डराएगी? तू रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। अरे नहीं, इससे मत लड़ो, ये खून ही है, हमने न्यूज में देखा है, लोग खून करती है। क्या, सच में? हाँ, भागो। लगी आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो रेड वाला बटन है इसे दबाओ, सब्सक्राइब करो। ब्लूपर्स और बाकी के अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय गाइस, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ।